हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एमएस वर्ड के अंदर जो हमारे पेजेस हैं उन्हें अलग अलग कलर दे सकते हैं। नॉर्मली वर्ड के अंदर ये फीचर नहीं होती कि आपकी अगर फाइल दो या दो से ज्यादा पेजेस की है वहां पर हम उन्हें अलग अलग कलर दे सके। तो आप देख रहे हो इस समय ये हमारे, जैसे आप देख रहे हो कि हमारी फाइल में ये हमारे पांच पेजेस हैं जिनमें हमारा डाटा है। अगर मैंने इनका कलर चेंज करना है तो पेज लेआउट के अंदर ये हमें पेज कलर का ऑप्शन दिया होता है, बट आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो हमारे सारे पेजेस पर सेम अप्लाई होता है। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ट्रिक सिखाऊंगा उसकी हेल्प से आप फर्स्ट पेज को अलग कलर, सेकंड पेज को अलग कलर, मतलब कहने का क्या है कि आपके पास जितने भी पेजेस हैं फाइल के अंदर उन सभी को आप अलग अलग कलर दे सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आपने किसी स्टेप को मिस कर दिया तो हो सकता है आप इस सॉल्यूशन को, इस ट्रिक को यूज ना कर पाए। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, आपके 1% भी आपको लगता है कि काम आएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने करना क्या है, हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और शेप के अंदर जाकर हम रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कर लेंगे और इस शेप को हम अपने पूरे पेज पर लगा देंगे कि हमारा पूरा पेज कवर हो जाए। ठीक है, अब हमने शेप फिल के थ्रू यहां पर जो भी कलर हम देना चाहते हैं वो हम इसे दे देंगे। नेक्स्ट काम जो आपने करना है, आप पेज पर राइट क्लिक करेंगे और इसे सेंड टू बैक पर क्लिक करके कर देंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो आप देखोगे हमारी और जो हमने शेप इंसर्ट की थी वो हमारी पीछे जा चुकी है। नेक्स्ट आपने कंट्रोल प्लस डी दबाना और आपकी इस शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। आप माउस की हेल्प से उसे ड्रैग करके सेकंड पेज पर ले जाइए और शेप फिल के थ्रू इसे जो आपने अगला कलर देना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे और नेक्स्ट पेज पर शेप को ड्रैग करेंगे और उसका कलर अलग दे देंगे जो हमें चाहिए। फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, फिर हम अपनी शेप को मूव करेंगे और नेक्स्ट फोर्थ पेज को भी इसी तरह से अलग कलर दे देंगे। फिर आपने कंट्रोल डी किया और इसे हम लोग अपने फिफ्थ पेज पर ले जाएंगे और उसे भी जो आपने कलर देना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, फॉर्मेट के अंदर होता है हमारा कलर का ऑप्शन। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये पांचों पेजेस हैं जो इनका अलग अलग कलर हो चुका है। अब हम इसे नॉर्मल जूम को नॉर्मल कर देते हैं 100% पर और अगर हम अपनी इस फाइल में स्क्रोलिंग करते हैं, अप डाउन मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारी टेक्स्ट प्रॉपरली रीडेबल है। बट फिर भी आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट को रीड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेक्स्ट के कलर को बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने रेड पर ये येलो कलर लगा दिया तो मेरी टेक्स्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रीडेबल हो चुका है। तो आपने अपने बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग अपनी टेक्स्ट के कलर्स को सेट कर लेना है। मैं आपको दो पेज का करके दिखा देता हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये था एक वीडियो कि हम लोग कैसे एमएस वर्ड के अंदर अपनी फाइल के हर एक पेज को एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है, आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।